एंड व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं नयन, स्वागत है आपका मेरी चैनल जिसका नाम है कराची रिएक्शन। तो गाइस, आज हम जिस वीडियो के ऊपर अपना रिएक्शन थोड़ा ओपिनियन देने जा रहे हैं, इसकी हमें रिक्वेस्ट किसी ने नहीं की, ये वीडियो मैंने खुद फाइंड की है और इस वीडियो के बारे में मुझे जानना था, मुझे देखना था और ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस चैनल पे नहीं हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, सपोर्ट कर दें, इस वीडियो को पूरा देखना ताकि तुम इस वीडियो को मिस ना करो और कहीं से भी छोड़ना नहीं, कहां से भी स्केप कुछ भी नहीं करना, बैकस्पेस कुछ भी नहीं मारना, बस वीडियो पूरी देख लो, छोटी ज्यादा लंबी नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं खाऊंगा, बस टू द पॉइंट देखेंगे, उसके बाद तो अपना रिएक्शन को थोड़ा ओपिनियन देंगे। अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर दें, एक निशान होगा लाइक वो दबा दें, एक निशान होगा सब्सक्राइब वो दबा दें, उसके बाद एक बेल आइकन वो दबा दें ताकि ऐसी वजह से तमाम वीडियो को आप मिस ना करो। तो आज की वीडियो है हमारी वन मैन आर्मी बिशु श्रेष्ठा हु फॉट विद 40 डिकॉइट अलोन, और ये वीडियो है जिनकी, उनका नाम है AMcrunch और इस वीडियो की लेंथ है 3 मिनट 28 सेकंड की। तो गाइस विदाउट एनी फर्दर वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो। 1 2 3 हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक अगेन विद सम एक्साइटिंग फैक्ट्स एंड स्टोरीज हमारे चैनल AMcrunch पर। मैं हूं मोना अग्रवाल और लेकर आई हूं एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। तो आज हम बात करेंगे गुरखास के बारे में, जिनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं कर सकता। ऑब्वियसली गुरखास अपने बहादुरी और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, और अब आपको आगे की कहानी जानकर पता चल जाएगा कि गुरखास अपने देश और लोगों की सेवा के लिए किस हद तक जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 41 साल के बिश्नु श्रेष्ठ इंडियन आर्मी के रिटायर्ड गुरखा फौजी हैं, जिन्हें अपनी बहादुरी के लिए सेना मेडल और उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। आइए अब जानते हैं इन्होंने ऐसा क्या किया जिससे इन्हें इतना उच्च सम्मान दिया गया। सितंबर 2010 को बिश्नु श्रेष्ठ गोरखपुर से नेपाल ट्रेवल कर रहे थे। वो जिस ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे उसका नाम मौर्य एक्सप्रेस था। शाम तक का सफर तो ठीक था, लेकिन रात को कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जैसे ही ट्रेन वेस्ट बंगाल के चितरंजन के पास पहुंची, वैसे ही 35 से 40 लुटेरों ने ट्रेन पर हमला कर दिया और उनकी कीमती चीजें चुराने लगे। सिर्फ यही नहीं, उन लुटेरों के पास खतरनाक हथियार भी थे। श्रेष्ठ नींद में ही थे तभी लुटेरों ने अपने हथियारों के दम पर उनसे भी उनका सारा सामान छीन लिया। यहाँ तक तो बिश्नु ने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही लुटेरों ने उनके बगल में बैठी एक 18 साल की लड़की की तरफ गंदे इरादों से देखा तो श्रेष्ठ के अंदर का गुरखा जाग गया। लड़की ने बेबसी और लाचारी में श्रेष्ठ की तरफ देखा और उसे मदद के लिए पुकारने लगी। ये देखते ही श्रेष्ठ का सब्र टूट गया और उन्होंने 40 में से एक लुटेरे को अपने कवर की तरह यूज किया और अपनी खुकरी से 3-4 लुटेरों को मार गिराया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने 8 लुटेरों को भी घायल किया, जिसे देखकर बाकी सारे लुटेरे डरकर भाग गए। खुकरी एक ऐसे किस्म का चाकू होता है जो गुरखास हमेशा अपने साथ रखते हैं। बिल्कुल हमेशा गाइस, सिग्नेचर। बिश्नु के लेफ्ट हैंड पर बहुत ही गहरी चोट आई, पर खुशकिस्मती से उनकी वो चोट अब ठीक है। श्रेष्ठ की इस बहादुरी की वजह से उन्होंने 6 लाख तक का सामान बरामद किया, जिसमें कैश, मोबाइल फोन्स, रिस्ट वॉचेस और एटीएम कार्ड भी इंक्लूडेड थे। इतना ही नहीं, 6 लुटेरे और कई हथियार भी पकड़े गए। लड़की के माता पिता ने खुश होकर इनाम के तौर पर जब श्रेष्ठ को कुछ पैसे देने चाहे तो श्रेष्ठ ने लेने से साफ इनकार कर दिया और उनसे कहा कि मैं एक सोल्जर हूँ और रणभूमि में लड़ना मेरा फर्ज है और आज ये लड़ाई मैंने इंसानियत के नाते लड़ी है। रिटायर्ड श्रेष्ठ की गुरखा यूनिट ने उन्हें एक सिल्वर प्लेटेड कुकरी और इनाम के तौर पर 50,000 रुपए दिए। भारत सरकार ने उन लुटेरों के पकड़े जाने पर जो इनाम रखा था वो श्रेष्ठ को दे दिया और साथ ही जीवन भर के लिए बिश्नु की ट्रेन की टिकट्स और एयरफेयर मुफ्त कर दी। तो ये थी हमारे जाबाज गुरखा बिश्नु श्रेष्ठ की कहानी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो गाइस, क्या वीडियो थी गाइस, वीडियो को छोड़ा क्या मतलब हिम्मत, मतलब हिम्मत चेक करें आप गाइस, ये सोचने वाली बात है। और ये कि हम ऐसा सोचते हैं कि यार हम भी ऐसा कर लेते, ये कर लेते, गाइस ये हर कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ गोरखा ही कर सकते हैं। गोरखा है, इनको अपनी जान की उस तरह फिक्र नहीं, मतलब इनको अपनी जान से ज्यादा लोगों की फिक्र है और ये अपने
ये है कि ये देश के लिए अपने मतलब ये है कि कुछ भी कर सकते हैं गाइस, ये मतलब ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और ये कि डेडलीस्ट है। उनमें यार ये कि खौफ भी नहीं था और ना ये कि डर था, और गाइस 40 बंदों से सिर्फ एक ही है कि कुकड़ी से उन्होंने इतना यार ये कि डैमेज किया उनको, वो खौफ नहीं है और ना यार ये कि डर है किसी भी चीज़ का, और ये अपने देश की हिफाजत दी है कि बड़े अच्छे से ये कि करना जानते हैं। तो गाइस ये थी मैं आज की वीडियो, आई होप कि अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी या मेरी बात और ये वीडियो तो वाकई में बड़ी अच्छी लगी मुझे इस वीडियो के बारे में, या मुझे ये कि देख के बड़ा अच्छा लगा, और अच्छा लगने के अलावा ये कि हिम्मत हौसला और इमोशनल टाइप में ये कि वीडियो थी, ये वीडियो का जो कंटेंट था वो बड़ा अच्छा था, और ये सच्ची बिल्कुल रियल स्टोरी है, मतलब यार क्या हिम्मत वाली बात है यार गाइस, ये हर कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ गोरखा ही कर सकता है। तो चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब लाइक कमेंट सपोर्ट कर देना, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के अपना अपनी फैमिली देश मतलब सबसे प्यार मोहब्बत से खुश रहें, बात में भाई हमेशा याद रखें बूम।